दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के बारे में किसको नहीं पता। ये बात हर कोई जानता है कि भारत और रूस के बीच गहरी दोस्ती है, जिसके कारण दोनों ही मिलकर काम किया करते हैं और हर फैसले में एक दूसरे का साथ देते हैं। जी हाँ, यही कारण है कि भारत ने रूस के साथ जो कारनामा किया है, रूस उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला है। और लगभग एक महीने पहले जो रूस खबरों से गायब सा हुआ रहता था, वही रूस फिर से चर्चा में बन चुका है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है, उसने अमेरिका तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट को देखें तो पिछले महीने अप्रैल 2024 में भारत ने इतना ज्यादा क्रूड ऑयल रूस से इंपोर्ट किया है कि भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया मुकाम हासिल कर लिया है। क्योंकि भारत ने अपनी कुल जरूरत का 40% क्रूड ऑयल अकेले रूस से खरीद लिया है, जिससे भारत को न सिर्फ सस्ते दामों में कच्चा तेल मिला है, बल्कि इससे रूस को भी बहुत बड़ी मदद मिली है। जहां भारत के द्वारा रूस से 40% क्रूड ऑयल खरीदने की चर्चा इसीलिए बनी हुई है क्योंकि भारत ने जब यूक्रेन और रूस के वार के शुरुआती समय में बंपर मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीदा था, तो भी कुल हिस्सेदारी केवल 20 से 25% ही थी। और उसके बाद रूस ने कच्चे तेल पर डिस्काउंट को बंद कर दिया, जिससे कच्चे तेल के लिए रूस पर भारत की डिपेंडेंसी कम हो गई थी। लेकिन हाल ही में पिछले महीने हमने इतना ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है कि कुल जरूरत का 40% कच्चा तेल अकेले रूस से खरीद डाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे भारत ने ना सिर्फ अपना फायदा किया है, बल्कि इससे रूस की काफी बड़ी मदद भी हुई है, जिसका एहसान रूस कभी भी नहीं भूलने वाला। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने दूसरे देशों के बजाय अपने दोस्त रूस से डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड ऑयल को खरीद कर नया इतिहास रच दिया है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। दरअसल आपको यह बात तो मालूम ही होगी कि भारत रूस का सबसे अच्छा दोस्त देश माना जाता है, और उसमें भी भारत और रूस के रिलेशन दिन पर दिन और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रूस के ना सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं, बल्कि भारत और रूस का व्यापारिक संबंध भी बढ़ रहा है। और हाल ही में हमने एक खबर आपको बताया था कि रूस पर इस समय अमेरिका के द्वारा कई प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे भारत और रूस के ट्रेड डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इसी के निचोड़ के लिए भारत और रूस मिलकर INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को चालू करने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। और इस कॉरिडोर की बात करें तो यह भारत के मुंबई बंदरगाह और रूस के मास्को शहर को सीधा ईरान और अजरबैजान के रास्ते से जोड़ता है, जिससे भारत और रूस के बीच कम समय में ज्यादा से ज्यादा सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी बचाया जा सकता है। यहां तक कि इस ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को चालू करने से पहले ही रूस का अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भारत के मुंबई शहर में ओपन किया जा चुका है। फिलहाल रूस से भारत में इंपोर्ट किए गए कच्चे तेल की बात करें तो ताजे आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल महीने में भारत के कुल कच्चा तेल आयात में अकेले रूस की हिस्सेदारी करीब 40% रही है, जबकि उससे एक महीने पहले मार्च में रूस से आने वाले कच्चे तेल की कुल आयात में हिस्सेदारी 30% ही रही थी। यानी कि भारत ने कच्चे तेल की खरीद में एक महीने के भीतर 10% की बढ़ोतरी करके नया इतिहास रच दिया। और देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है कि भारत ने 40% कच्चा तेल अकेले रूस से खरीदा है, क्योंकि आज से एक साल पहले जब भारत ने रूस से बंपर क्रूड ऑयल आयात किया था तो उस समय भी भारत में आने वाले कच्चे तेल में 20 से 23% हिस्सेदारी रूस की रही थी, और इसमें भी मैक्सिमम 25% तक ही गया था। लेकिन जब भारत को फिर से रूस की तरफ से डिस्काउंट मिला तो भारत ने रूस से कच्चे तेल खरीदने के मामले में दोबारा से टहलका मचा दिया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का क्या फायदा हुआ और इससे रूस की मदद कैसे हुई, तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होने के साथ साथ भारत को इसी बहाने सस्ते दामों में कच्चा तेल भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में पिछले साल रूस से जिन सामानों को खरीदा है उसके लिए हमने ज्यादा से ज्यादा रुपए में पेमेंट किया है, जिससे भारतीय रुपए को नई पहचान भी मिली है। और हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह कच्चे तेल को खरीदने में खर्च होने से बच गई, जिसका इस्तेमाल हमने दूसरे प्रोजेक्ट में किया। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में हमने रूस से $55 बिलियन के सामानों को खरीदा है, जिसमें सिर्फ 3.5 बिलियन डॉलर का कोयला, लगभग $2 बिलियन का फर्टिलाइजर और लगभग $1 बिलियन का वेजिटेबल ऑयल परचेज किया है। और यह सब कुछ छोड़ दिया जाए
तो बाकी हमने लगभग 49 बिलियन डॉलर के अकेले कच्चे तेल को ही खरीदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन क्रूड ऑयल को परचेज करने के लिए लगभग 80% कीमत रुपए में ही चुकाई गई है। वैसे तो बीच में रूस भी भारतीय रुपए लेने से आनाकानी कर रहा था, और रूस का कहना था कि भारत कच्चा तेल खरीदने के बदले में उसे चाइनीज करेंसी या फिर यूएस डॉलर में पेमेंट करें। लेकिन भारत को यह बात मालूम थी कि अगर भारत उसके पास चाइनीज करेंसी पहुंचा दे तो घूम फिर कर वह चीन के पास ही आएगी, और चीन इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है। इसलिए भारत ने रूस को कहा कि हम कच्चे तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए में ही पेमेंट करेंगे, जिससे रूस को भारतीय रुपया एक्सेप्ट करना पड़ा। यानी कि इस समय रूस के पास भारी मात्रा में इंडियन करेंसी पहुंच चुकी है, क्योंकि हमने रूस से तो लगभग 55 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, लेकिन रूस ने भारत से केवल 3 बिलियन डॉलर के ही सामानों को खरीदा है, जिससे रूस के पास इस समय लगभग 50 या 52 बिलियन डॉलर के आसपास इंडियन करेंसी इकट्ठा हो चुकी है। तो रूस इसे इन्वेस्ट करने का विचार बना रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि रूस के पास इन इंडियन करेंसी को भारत में इन्वेस्ट करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इसीलिए भारत ने कहा कि आप इस पैसे को हमारे यहाँ शेयर मार्केट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाइए, या फिर आप चाहे तो हमारे यहाँ से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि रूस ने इन प्रक्रियाओं को शुरू भी कर दिया है। दरअसल अगर आप इस खबर को देखें तो रूस के पास जो बिलियंस ऑफ भारतीय रुपया है, उसे रूस ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें 3000 किलोमीटर की रेलवे लाइन, 2000 रेल प्रोजेक्ट और साथ ही 1500 ओवरब्रिज, रोड और अंडरपास शामिल है, जहां पर रूस भारतीय रुपया इन्वेस्ट करके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इससे न केवल रूस भारतीय रुपए को सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएगा, बल्कि इससे भारत की इकोनॉमी ग्रोथ भी बढ़ने वाली है। फिलहाल भारत के द्वारा भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने से रूस की इससे जो मदद हुई है उसे देखकर आप हैरान ही रह जाओगे, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले एक दो सालों में रूस पर अमेरिकी सेक्शंस लगे होने के बावजूद भी सभी यूरोपीय देशों में से रूस की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए रूस भारत को धन्यवाद भी दे रहा है। बाकी आप लोग भारत के द्वारा दिमाग लगाकर सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।